गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे अभी इसके अंदर। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए। किसके लिए? जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है हमारा, उसको हम कैसे लिखेंगे? एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इट्स कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि आप इस डेफिनेशन में देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ये एक क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर जो हमारा करंट है फ्लो करता है। इसका हम एक सर्किट डायग्राम देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई बैटरी है, देखिए ये हमारा एक सर्किट है जिसके अंदर एक बैटरी है, हमारी बैटरी है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ पर एक हमने इसके अंदर एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, जो इंस्ट्रूमेंट हमें लगाया गया है, वो है हमारा एमीटर। एमीटर, ये हमारा एमीटर है। और उसके बाद जो एक अनदर इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारी की। जो आप ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो ये एक सर्किट में आपको हमेशा मिलेगा। अगर एमीटर मिल रहा है या फिर वोल्टमीटर मिलेगा, मतलब कि हमें ये सर्किट जो है हमारा कंटिन्यूस बनाना है, क्लोज बनाना है। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है आई, जैसे ही वो बल्ब से पास होगा, अगर हमारी की क्लोज है, देखिए की क्लोज है, अगर की क्लोज नहीं है तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अगर की क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा। तो इस टाइप का सर्किट होता है, इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमने यहाँ पर कुछ डिफाइन किया है, बल्ब, एमीटर, की क्या होती है, यहाँ पर जो हमारी की क्या होती है, व्हाट इज की क्या होती है? की होता है एक स्विच, की ए स्विच makes a conducting link between the cell or battery and the बल्ब। मतलब क्या है कि जो की है, अगर हमने इसको क्लोज किया तो ये कंडक्टिंग लिंक बना देती है बल्ब के और इस हमारी बैटरी के बीच में। अगर
की ओपन है तो वो कंटिन्यूस पाथ वो ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा कंटिन्यूसली थ्रू दी वायर एंड बल्ब विल नॉट ग्लो। यहाँ पर एक अनदर इंस्ट्रूमेंट जो मैंने लिया है एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है? एमीटर का काम ये होता है कि हमारे सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है ये उसको मापता है कि भाई कितना करंट उससे फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करता है। तो एमीटर के बारे में लिखेंगे, एमीटर द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एमीटर। मतलब कि हमारा जो एमीटर है इसका काम क्या है कि करंट को मेजर करता है कि कितना करंट हमारे सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आप इस टॉपिक का क्या समझ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्षमता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हमारा चार्ज है उसकी पोटेंशियल कितनी है। एज वी नो कि हमें पता है कि भाई कोई भी चीज़ जो फ्लो होती है, मान लो कुछ भी है, मान लो हमारा वाटर ही है। आप सोच देखिए कि मेरे पास कोई टंकी है जिसका कनेक्शन मैंने एक दूसरी ही टंकी के साथ किया गया है, ऐसे है। मान लो कि इस जो आपकी फर्स्ट ए जो आपका टंकी है कुछ भी है उसके अंदर मान लो वाटर इस लेवल तक है। क्या है इसके अंदर? ये हमारा वाटर। और इनिशियली जो हमारा सेकंड जो टैंक है बी है, टैंक ए और टैंक बी, इसके अंदर जो है हमने नल को यहाँ से ऑफ किया हुआ था। मान लो यहाँ पर कोई हमारे पास नल है उसको मैंने ऑफ किया हुआ है। इनिशियली इसके अंदर वाटर इस लेवल तक है। जैसे ही मैं इस नल को ऑन करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से, तो इन दोनों टंकियों का वाटर लेवल जो है विल बी इक्वल। ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि जो हमारा टैंक ए है इसके अंदर जो वाटर है उसकी पोटेंशियल हाई है। द वाटर हैव वेरी हाई पोटेंशियल इन टैंक ए और इसके अंदर लो पोटेंशियल है। इसके अंदर क्या है? हाई पोटेंशियल। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो करंट फ्लो करेगा या फिर कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो करंट में भी इसी तरीके से होता है, चार्जेस के अंदर भी इसी तरीके से होता है। इसका हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि कोई डैम बना हुआ हो तो उसका वाटर जो है बहुत ही हाई लेवल पर स्टोर होता है और वो फ्लो करता है नीचे की तरफ। क्यों करता है? क्योंकि हाई लेवल पर हाई पोटेंशियल है, नीचे की तरफ लो पोटेंशियल है। तो एक नेचर का रूल है कि भाई वाटर फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसी तरह की चार्ज की एक नेचर होती है कि वो फ्लो करता है लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखिए मेरे पास मान लीजिए कोई दो चार्जेज है, ये हमारा कोई नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो है लो पोटेंशियल है। मेरे पास कोई दूसरा चार्ज है वो है पॉजिटिव,
इसके ऊपर जो है हाई पोटेंशियल है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट वो मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज जो हमारा होता है उसकी पोटेंशियल हमेशा हाई होती है, नेगेटिव चार्ज की लो पोटेंशियल होती है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल लो है और पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल हाई है। तो ये चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करता है। मान लीजिए ये चार्ज इधर मूव कर रहा है, ये क्यों नेगेटिव है ये क्यों पॉजिटिव है। मान लीजिए कि ये चार्ज इधर मूव करता है तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कुछ अपना एफर्ट लगाया होगा, इसने कुछ इस पर वर्क भी किया होगा। मान लीजिए कि ये चार्ज है हमारा ए चार्ज है और ये बी चार्ज है, ए चार्ज ने बी चार्ज पर आने में कुछ काम किया होगा, तो इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात ध्यान रहे कि ये इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है, जो हमारा ए चार्ज है वो इन्फिनिटी पर है। तो इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म लिखने जाते हैं तो लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं कि चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेज मतलब ये चार्ज लो लेवल पर, इसकी हाई मतलब पोटेंशियल लो है, इसके अंदर पावर कम है, इसके अंदर पावर ज़्यादा है। तो ये पावर ही डिफाइन कर रही है कि हमारा चार्ज किस तरफ फ्लो करेगा, क्यों फ्लो करेगा। क्योंकि ये नेचर का रूल है कि कोई भी चीज़ है, मान लो कुछ भी है, चार्ज हो या फिर वाटर हो, वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है। हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है। मान सपोज कीजिए कि मैंने कोई दो ऑब्जेक्ट ले लिए, दो मेटल ले ली मैंने, मान दो मेटल मेटल बॉल ले ली। मान लीजिए कि ये हमारा क्यूब ए है, ये मेटल का है, और इसके बिल्कुल क्लोजली मैंने दो टच किया है वो है बी, ए और बी। जो हमारा ये जो बॉक्स है, ये जो क्यूब है हमारे मेटल का, वो हाई टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर पर है, और ये किसने पर है, ये लो टेम्परेचर पर है। तो ऑब्वियस ये बात है कि जो हीट फ्लो होगी वो हाई टू लो होगी, हाई टू लो होगी। ये सब पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर हीट है जो मतलब इसका टेम्परेचर बहुत कम है, इसका हाई है। दी नेचुरल सी बात है कि जो हमारा हाई टेम्परेचर से हीट फ्लो करेगी और लो में जाएगी, जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, तब तक ये हीट फ्लो करती रहेगी। उसी तरह चार्जेस के अंदर भी होता है, दिस कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग चार्जेस एट दैट पॉइंट इन डूइंग सो, इन डूइंग सो वर्क हैज टू बी डन ओन दी चार्जेज। This work is stored as electric potential at that point. तो इससे हम क्या समझते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये डिफाइन करता है
कि मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि बी पॉइंट जो हमारे बी चार्ज इसकी जो पोटेंशियल हाई हो जाए, वो कैसे पॉसिबल है कि कोई चार्ज यहाँ से आए और इसके अंदर मर्ज हो जाए तो इसकी पोटेंशियल हाई हो जाएगी, बट इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ काम करना होगा। जो काम किया है वो स्टोर होता है एनर्जी की फॉर्म में, और उससे ही इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्षमता जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगी। आगे हम इसे हम लिखेंगे, जैसे कि आपने देखा कि चार्ज बी से ए पर आने में कुछ काम कर रहा है, तो उसको ही हम बोलते हैं। बट ये ध्यान रहे कि वो इन्फिनिटी पर जाए, इन्फिनिटी पर है हमारा बी चार्ज जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। इसके बारे में हम आगे कुछ लिखेंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। एंड इज डिफाइंड एज दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट चार्ज। टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि मैंने बताया कि कोई चार्ज जो है इन्फिनिटी पर है उसकी पोटेंशियल हाई है, जैसे ही वो लो पोटेंशियल पर आता है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पर गिर जाता है, तो इसने कुछ काम किया होगा। तो जो उसने वर्क किया है वो वर्क जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट से। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल वी। अगर हमें यह पता करना हो कि भाई चार्ज ने ए से बी पर आने में अगर 1 वोल्ट ही काम किया हो तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम
इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हम एक वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए कि कोई चार्ज हमारा ए से, ए पॉइंट से कुछ मान लें कि यूनिट चार्ज है, वो मूव करके बी पर आ जाता है। हालांकि हमारा जो ए जो चार्ज है वो किस पर है, इन्फिनिटी पर है। मैंने पहले डिफाइन किया कि किस पर है, इन्फिनिटी पर है। कोई यूनिट चार्ज मान लो बी पर आ जाता है, तो उसने यहाँ तक आने में एक जूल ही वर्क किया गया हो, इस एक पॉइंट चार्ज ने यहाँ पर आने में एक जूल वर्क किया गया हो, तो उसको हम बोलते हैं वन वोल्ट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।